हैं पहले दो कंटेस्टेंट से। अक्षिता तिवरेकर। तिवरेकर, राइट राइट। ये अक्षिता तिवरेकर जी हैं, ये आई हैं वर्ली से हमारे साथ खेलने के लिए 10 कदम। यस। आपके घर में कोई है? मेरा एक बच्चा, एक बच्चा और हस्बैंड, एक ही है। एक ही लड़का एकदम। क्या बच्चा एक ही है या हस्बैंड एक ही है? बच्चे दो है, एक लड़का एक लड़की, हस्बैंड एक ही। आप काम करती हैं? हाँ, जॉब करती हूँ, फाइनेंशियल फर्म है। अच्छा। और यहाँ आने को मुझे बहुत आनंद मिला, वो मेरे बच्चे की वजह से। मगर आज क्रिकेट खेलने के लिए हो गए तो मेरे साथ ही रहे, मगर मेरी बच्ची और मेरा हस्बैंड आ गए हैं। कहाँ पे? ये सामने ही है। और आपके वो जो बच्चे का नाम क्या है जो क्रिकेट खेलने? अभिषेक है। अभिषेक, अभिषेक जहाँ पे भी हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। क्रिकेट खेलो, एक दिन बड़े होकर सचिन तेंदुलकर से भी बड़े नाम कमाओ। चलेगा? सचिन तेंदुलकर है ना, 14 साल है। 14 साल तो सचिन के बाद वो ही आएगा ना। और दूसरी की आज इधर आके बहुत अच्छा लगा, आपके साथ खड़े के बातें करने का मौका मिला। और क्या चाहिए? नहीं नहीं, अब 10 करोड़ भी चाहिए होंगे। मुझे आप एक सेकंड दीजिए, मैं इधर इनको भी हमारे देश की आवाम से मिला देता हूँ। ये है वामिका घाई। वामिका घाई इतने घाई में है। आपकी शादी अभी भी हुई? सुना, अभी अभी हुई। अभी भी कितने साल हो गए? 2 महीने अभी कंप्लीट होने वाले हैं। किधर है? यस, फैंटास्टिक, सुपर, आउटस्टैंडिंग। और आप अभी मेरे साथ खेलेंगी 10 कदम। ये नॉकआउट राउंड है, जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ उन सवाल को हमने देश की आवाम से पूछे, उनके सही जवाब हमारे इस कंप्यूटर में फीड हुए। 5 सवाल हैं, हर सवाल के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे अपना जवाब डालने के लिए, क्योंकि ये प्रतिशत का खेल है। जिसका भी जवाब हमारे देश के जवाब से ज्यादा करीब हो वो पॉइंट जीतेगा, और जिसने भी पहले 3 पॉइंट जीते वो खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 कदम। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को रोटी बेलनी आती है? मैंने तो ये सुना है कि काफी भारतीय पुरुषों को पापड़ बेलने आते हैं। कितनी बार मुझसे बोला जाता है कि उनको देखो वो घर में खाना पकाते हैं, उनको देखो रोटी बेलते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। एक सवाल, अभी आपने तो शादी नहीं की और आप ही आप बोल रहे हैं मेरे को भी ऐसे बोलते हैं रोटी बेलने के लिए, कौन बोलते हैं? क्या आपके पति रोटी बेलते हैं? जब भी शादी करते हैं तो शपथ लेते हैं जी कि रोटी बेलनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। रोटी बेलने साथ फेरे लेते हैं, साथ फेरे लेते हैं, तभी हम शपथ लेते हैं कि आप करेंगे वैसे हम करेंगे जी। तो उल्टा शपथ कैसा होता है? हम करेंगे सो आप करेंगे। ये शपथ तो मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि अगर जो मैं करता हूँ अगर मेरी बीवी करेगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है कि सबकी मर्जी होती है, जितना बेबी और हस्बैंड के बीच में प्यार जो होता है वो प्यार के हिसाब से सब करते हैं। आप अगर शादी करेंगे तभी आपको पता चलेगा प्यार क्या चीज है। आपके पास 10 सेकंड है, आपका समय शुरू होता है अब। वामिका जी 36% और आप 24%। वामिका जी, राइट। तो आइए देखते हैं कि हमारी देश की आवाम क्या सोचती है। आप
जीती हैं और हमारे देशवासियों का मानना है कि 60% भारतीय पुरुष को रोटी बेलनी आती है। तो आइए मिलवाता हूं आपको अपने दो राइवल कंटेस्टेंट से, उत्कर्ष मारवा और नंदिनी। नंदिनी देशवास, हाउ यू डूइंग? गुड। ठीक है आप? हाँ। ये है नंदिनी विश्वास जी, ये एक विजुलाइजर। क्या विजुलाइज करती हैं आप? वो सब छोड़िए, आप अपने बारे में पूछिए मुझसे। मैं आपसे मेरे बारे में पूछूं? मेरे बारे में आपको क्या कहना है? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक सेकंड, जरा इनसे भी निपट लूं। ठीक है। उत्कर्ष, हमने मतलब आपके बारे में दो चीज़ें बहुत सुनी है मिस्टर खान। एक कि एक तो आप हमेशा गर्ल से भरे रहते हैं, एंड यू आर अ स्टार, यू आर सपोज्ड टू बी, और दूसरा आपका गुस्सा। क्या आपको क्या चाहिए, मतलब कि मैं ज्यादा लड़कों के साथ घूमूं? नहीं नहीं नहीं। मेरे फादर ने एक सांड पैदा किया है। अच्छा। लोग अपनी अपनी गाय बचाए। आप लोगों गेम समझा दूं मैं? जरूर। नेशनल सैंपलिंग के जरिए हमने हजारों लाखों हिंदुस्तानियों से कुछ खास सवाल पूछे हैं। आपको लगाना है उनके जवाबों का अंदाजा, एंड जीते जाना है ढेर सारा रुपया। ये है एक नॉकआउट राउंड। हम आपसे पूछेंगे 5 सवाल, आपको 10 सेकेंड का समय मिलेगा हर सवाल का जवाब सोच के छापने के लिए। जिसका भी जवाब आवाम के जवाब से ज्यादा करीब होगा वही सही जवाब होगा। दोनों में से पहले जो 3 सही जवाब देगा वही मेरे साथ खेलेगा 10 का दम। तो चलिए महसूस करते हैं हम 10 का दम। दम। बड़ा दम लगा के कहा है आपने। Let's go. कितने प्रतिशत भारतीय रोज सुबह टॉयलेट में अखबार पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ। आप पढ़ती हैं? नहीं, लेकिन आजकल जैसे खबरें छप रही हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट जगह है पढ़ने के लिए। एक्चुअली जब आप पढ़ लें तो जरा उसको टॉयलेट पेपर की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इतनी बुरी बुरी खबरें छप रही हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, तो मत यूज कीजिएगा। मेरे ख्याल से मिस्टर खान ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही खबर देखें टॉयलेट ज्यादा आसानी से हो जाती है। हाँ, मेरे साथ ये होता है हमेशा। 10 सेकेंड है आपके पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। उत्कर्ष 55%, आप 50, आप 53%। आइए देखते हैं हमारे देश की आवाम क्या सोचती है। आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीयों को अपना घर का नाम अपने दोस्तों को बताने में शर्म नहीं आती? आपका मेरा घर का नाम है क्या? और दीपू। दीपू हाउस मेरी दादी ने रखा। डोना। डोना, डी ओ डबल एन ए, डोना। डोना, देखिए ये थोड़ा सा ये मुश्किल वाला है। किसी को पता नहीं है कि मेरा नाम दोना है। आपका कुछ घर का नाम? मेरा घर का नाम है सलमान खान। ये बताइए हमें, आपकी आपकी अम्मी जान आपको प्यार से कैसे बुलाती है? और हम नहीं मानते कि आपको सलमान कहती हूँ। सलमान नहीं, आई डोंट बिलीव। हमेशा से प्यार से, प्यार से। अच्छा अच्छा, अगर मम्मी ने प्यार से ना रखा हो, किसी और ने रखा हो तो? जब मैं छोटा था मेरी आंखों की वजह से मुझे बड़दीदा बुलाया करते थे मेरे चाचा चाची इंदौर में। बड़दीदा मतलब कि बड़ी आंखों वाला। बड़ी आंखों वाला, लेकिन कौन सी एंगल से मेरी आंखें बड़ी हैं यार? मैं तो ये मानता हूं आंखें बड़ी। बिल्कुल, मैं मानता हूं। मैं मानता हूं आप एक्टिंग अपनी आंखों से ही करते हैं। अरे शर्मा गई मैडम आप। ये रहे आपके 10 सेकंड, शुरू होते हैं अब। Thank you.
देखें बिल्कुल जरूर कि हमारी देश की आवाम क्या सोचती है। क्या करें दीपू यार, क्या करें।